गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो गुड डे टू ऑल। और देखते हैं कि आज के लिए कार्ड ऑफ द डे क्या है, आज के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओ कार्ड स्प्रेडेड है, टेन ऑफ कप्स, वेरी गुड। आज टेन की एनर्जी, आज संडे और गुड फैमिली टाइम, गुड हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस। बेसिकली हो सकता है कि आपको 111 या 1010 ये एनर्जी नंबर या 1001 ये मिरर नंबर दिख सकते हैं। और बेसिकली आपको ना एक इमोशनल हैप्पीनेस आज फील करने मिलेगा, आपकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। और कुछ भी चीज़ जैसे ना खुशखबरी हो, जो खास करके आपके ना इमोशनली हैप्पीनेस को कन्वर्ट करती है, वो आपको मिलने के चांसेस है। तो हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैरिज प्रपोजल आपसे एक्सपेक्टेड था, तो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कमिटमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि टेन ऑफ कप्स मुझे एक यस कार्ड की तरह फील होता है, जहाँ पे सब कुछ है, जैसे कि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी फील होती है, बट द विद इमोशंस के साथ। हो सकता है कि आप फैमिली प्लानिंग करें या कुछ, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, तो हर चीज़ जैसे बिलीव के आप आके रुक जाती है, कि अगर आप बिलीव करते हैं कि ये सब चीज़ के आप हकदार हैं, तो ज़रूर मिलेगा आपको। बस अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी है। तो इफ़ यू बिलीव द पॉजिटिव थिंग विल हैपन, मतलब श्योरली विल हैपन, एंड लेट गो। अगर आपके मन में कोई निगेटिविटी है, कोई कंट्रोल्स है, कोई भी निगेटिव, जैसे कि ये बिलीव का कार्ड ही मुझे बताता है कि अगर आपके मन में कोई इनसिक्योरिटी है कि क्या ये हो सकता है, क्या ये सच कह रहे हैं, क्या ये हो रहा है, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं और पूरी तरह हर चीज़ जैसे ना एक सरेंडर टू यूनिवर्स एनर्जी में आते हैं, हर चीज़ को लेट गो करते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। और मुझे समाव ऐसा लग रहा ना कि ये जो दो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको एनर्जी क्लिनजिंग और हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे आपके जिस मतलब जो आपकी इमोशनल हैप्पीनेस है, बेसिकली जो हैप्पीनेस पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रहा है, उसके लिए आपकी एनर्जी क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। गुड डे।